जम्मू शहर की रक्षक बावरी माता के मंदिर में दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं को अब कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। मंदिर कमेटी द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया गया, जिसके अनुसार अब श्रद्धालु निक्कर, हाफ पैंट और कैप्री पहनकर दर्शन नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ सभी श्रद्धालुओं को सिर ढककर ही मंदिर में प्रवेश करना होगा। मंदिर प्रबंधन ने लोगों से मंदिर की मर्यादा बनाए रखने और अनुशासन का पालन करने की अपील की है। मंदिर के महंत बेटा पुजारी ने कहा कि मंदिर की गरिमा कायम रखने के लिए लोगों से ये अपील है, आदेश नहीं। हालांकि जो लोग निक्कर या हाफ पैंट पहनकर मंदिर पहुंच रहे हैं, उन्हें बिना दर्शन के वापस नहीं भेजा जा रहा, उन्हें मंदिर परिसर में ही धोती पहनाई जा रही है। जिन श्रद्धालुओं के पास सर ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, उन्हें मंदिर समिति द्वारा ही लाल रंग के पटके प्रदान करवाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं ने भी मंदिर समिति के इस फैसले का खुशी से स्वागत किया है। बावेवली माता के दर्शनों के लिए आए श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसे निर्देश तो सभी मंदिरों में जारी होने चाहिए। लोगों का कहना है कि सनातन धर्म में तो किसी बड़े बुजुर्ग के सामने भी सर ढकने के लिए कहा गया है, तो फिर मंदिर में बिना सर ढके कैसे आ जाएं? बाबा निक्कर शॉर्ट कैप्री में अंदर प्रवेश करें, सिर को पूर्ण रूप से ढके, सिर पे पूर्ण रूप से ढके, निक्कर शॉर्ट कैप्री में प्रवेश न करें। सहयोग के धन्यवाद। वापसी में कपड़ा वापिस, वापसी में कपड़ा वापिस, धन्यवाद। सहयोग के धन्यवाद। वापिस मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखें। बरसों से जम्मू की रक्षा करने वाली बावे वाली माता मंदिर के कुछ नियम में बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि क्या वो नियम है जो बदले गए हैं। देखो मीडिया वाले लोग तो बोल रहे हैं कि ऑर्डर निकाला है, ऑर्डर कोई नहीं है, ये एक प्रार्थना है लोगों को, एक हम मशवरा दे रहे हैं कि देखिए ये धार्मिक स्थान है, बड़ा पुराना माता का मंदिर है, जम्मू के महाराजाओं की कुल देवी हैं, यहाँ कोई परंपरा है, लोगों ने अब इसको बना दिया है पब्लिक प्लेस, पिकनिक प्लेस बना दिया है इसको। देखिए नीचे बागे बहू है, इक्वेरियम है, वो है, फाउंटेन चलते हैं, यहाँ गंडोला है, ठीक है, टूरिज्म को बढ़ावा होना चाहिए, लेकिन इसको पिकनिक मंदिर को पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए हमने ये स्टेप उठाया है कि लोगों को सिर पे रुमाल रख के ही अंदर आना चाहिए, बाकी निकरों शिकरों वालों की हमने दो तीन बार रखी हुई है। देखिए आप गुरुद्वारे में जाइए, कोई नंगे सिर जाता है, आप हमारे मुस्लिम भाई नवाज पढ़ने जाते हैं वो भी सिर पे टोपी रखते हैं, हमारे बुजुर्ग हमारे राजा महाराज हैं वो पगड़ी पहनते थे, तो हमको क्या इतराज है? अगर रुमाल रखना पड़े सिर पे तो कोई इतराज नहीं है, बाकी हम फ्री ऑफ कास्ट है, यहाँ कोई पैसा नहीं लगना, मंदिर की तरफ से यहाँ बाहर रखे हुए हमारे वॉलंटियर लगे हुए हैं, लोगों को दे रहे हैं, लेकिन लोग ठीक समझ रहे हैं इसको। देखिए हम हमारे बुजुर्गों ने हमको अपनी परंपरा सिखाई थी, लेकिन हमने आगे अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, इसलिए ये वक्त आ गया, ये माता की तरफ से ही ऑर्डर है कि इसको चलाओ। ये आप देखो लोग इस वक्त रिस्पांस तो अच्छा आ रहा है, आगे देखिए क्या बनता है। बहुत अच्छी पहल है और सब लोग बहुत इस बात की सराहना कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कदम एक उठाया गया है। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक लोगों को जगाने की, जागरूक करने की ये पहल की। जय माता दी। सर क्या नाम है आपको? ये जो आपने एक मुहिम छेड़ी है, हम देखते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइए। जय माता दी, मेरा नाम वीरेंद्र गुप्ता है। ये मुहिम नहीं है, ये एक प्रयास है मेरी, हमारे मंदिरों की मर्यादा को बचाने के लिए। ये सिर्फ मेरा ही नहीं, ये आप लोग का भी सहयोग है, ये सबके सभ्य समाज के सहयोग से, ये वॉलंटियर के सहयोग से, पुलिस डिपार्टमेंट के सहयोग से, जो अंदर बारीदार है उनके सहयोग से, मार्केट एसोसिएशन के सहयोग से, ये आज सफलता जो मिल रही है हमें, जो लोगों का रुझान इसमें दिख रहा है, ये आप सबके सभ्य समाज के सहयोग से ये सफल हो पाया है। ये हमारी मर्यादा है, इसको हमें देखना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहिए, लोगों को भी श्रद्धालुओं को ये समझना चाहिए कि हम मंदिरों का मर्यादा का ध्यान रखें, अनुशासन का पालन करें, निक्कर शॉर्ट कैप्री में मंदिर में प्रवेश ना करें। बावे वाली मंदिर ही नहीं, जितने भी हमारे मंदिर है, कहीं भी हम निक्कर शॉर्ट कैप्री में ना जाएं और पूर्ण रूप से सिर को ढक के जाएं। सिर ढकने से क्या होता है, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वो सिर के द्वारा शरीर में प्रवेश नहीं हो पाती, इसका साइंटिफिकली और हमारे शास्त्रों में भी इसका विख्यान है। तो मैं एक बार पुनः आपके चैनल के द्वारा लोगों से अपील करना चाहता हूँ, मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपना सिर ढके,
जय माता दी। मंदिर में आता है नंगे सिर निकर शॉर्ट या कैपरी में, तो यहाँ क्या प्रबंध है? हम उनको अपनी तरफ से पटके जो लोगों ने भी और हमारे बारीदार जो अंदर महंती जी हैं उन्होंने भी हमें दिए, हमने अपनी तरफ से भी पटके लाए हैं, लेकिन हम लोगों से अपील करते हैं कि ये आप घर से ही तैयार होके आए। और एक बार पुनः मैं बोल दूं कि श्रद्धालुओं से अपील है कि वो पिकनिक के भाव से ना आए, वो आस्था के भाव से आए। ये जो पीछे हम इतने लोग देख रहे हैं सब वॉलंटियर हैं। ये वॉलंटियर इनकी बहुत बड़ा सहयोग है, इनका बहुत बड़ा सहयोग है, पुलिस कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा सहयोग है, एसोसिएशन का सहयोग है, पत्रकारिता पत्रकार से जो जुड़े हैं लोग मीडिया वाले उनका बहुत बड़ा सहयोग है। जय माता दी। जय माँ बाबा वाली की। आज मैं इस आपके चैनल के माध्यम से दो तीन बातों का बखान करना जरूर चाहूंगा, और ये मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें एक अपनी जो हमारी धार्मिक भावना है उसके साथ हम कैसे जुड़े रहें, कुछ ना कुछ चीजों का पालन करना चाहिए। जैसे हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं एक बड़ा अच्छा डिसिप्लिन है, साइड पे वहां पे कपड़ा रखा होता है, कोई भी अंदर जाए तो सिर को ढांकने का मतलब ये नहीं होता, जहां आज मैंने ये पहली बार देखा बाबे में ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हर किसी ये नहीं होता कि हम किसी तरीके से किसी चीज से महरूम हो रहे हैं। इससे हमें भावना जो है हमारी और ज्यादा उजागृत होती है, हमें इस बात का भी एहसास होता है कि अगर हम इस बावे वाली माता के दरबार में आए हैं तो बड़ा एक सुकून सा मिलता है। और ये जो आज खासकर बाबा बिटा जी ने यहाँ पे एक शुरुआत की है, और मैं भी आज जैसे भी अंटर हुआ तो मुझे दो चार लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप भी अगर अंदर जा रहे हैं तो सर ये पहन लीजिए, तो मैंने एक बार भी संकोच नहीं किया। और जैसे ये जो बार बार यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा हूँ तो ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को कॉपरेट भी करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि हम जैसे जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनमें ये हमें बड़ी एक अच्छी भावना बनती है कि हम अपने धर्म के प्रति कितने बंधे हुए हैं, हमारा जो धर्म है वो किस तरह से आगे बने। जैसे इस माता रानी की बहुत बड़ी शक्ति है, जैसे वैष्णो माता हमारा पूरा संसार के लोग वहां उपस्थित होते हैं, तो ये जो हमारी बावे वाली माता है तो ये साक्षात उसी का एक स्वरूप है, महाकाली माता रानी यहाँ पे विराजमान है, और बड़े हजारों लाखों लोगों की जो आस्था है इसके साथ जुड़ी हुई है। और खासकर आप जैसे अच्छे लोग जो मीडिया कर्मी है, ये इस छोटी सी बात को आप मैं यहां से बखान कर रहा हूं तो आप जगह जगह उस खिते तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पे जो लोग इस चीज को नहीं मानते हैं कि नहीं यार हम अंदर गए हमें ऐसा है कोई बाल खराब हो जाना, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अगर बहू बेटी है, हमारी माताएं अगर सिर ढांग कर यहाँ पे अंदर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करती हैं तो हम लोगों को भी ऐसा संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी धार्मिक जो आस्थाएं से जुड़ी हुई जगहें हैं उनको हमने बनाकर रखना है। ये जो आपका चैनल है कश्मीर समाचार, मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं कि आपका जो चैनल है हर उस जगह पे सबसे श्रेष्ठ होता है, हर जगह वहां पहुंचता है जहां पर भी आपको अच्छी बातों का एहसास होता है, चाहे वो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई बातें हो, चाहे वो कहीं कोई गलत हो रहा हो, या जहां भी मैंने देखा है कि आपका जो चैनल के माध्यम से लोग जो है बड़े उजागृत होते हैं। और आपको मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं कि आप इस पवित्र स्थान पर आए और मुझसे आपने ये थोड़ा सा जो बखान करवाया इस यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, और ये भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग हैं आज माता रानी का जो है ये पटका बांध कर अंदर जा रहे हैं तो ये बहुत एक अच्छी बात है, एक शुरुआत है हमारे लिए। शुक्रिया, धन्यवाद। जयकारा माँ, जय राम भाई दा, जय माता दी। हाँ जी, ये सेठ कनाड़ा काम कीता ना, बहुत वधिया वा, ये धार्मिक काम है, एक से कृपा करके सारे से ढक गए। Thank you.